दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ वाकई में बीच मैदान में बेईमानी हो गई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंपायर की एक गलती के चलते जीता हुआ मुकाबला हार गया पाकिस्तान, तो अंपायर पर बुरी तरीके से भड़क गए पाकिस्तानी दिग्गज और उनके देश के सभी खिलाड़ी। आखिरकार कैसे अंपायर का एक गलत फैसला बेईमानी में तब्दील हो गया और आखिरकार इस पर भड़कते हुए क्या क्या बोल गए पाकिस्तानी दिग्गजों से लेकर खिलाड़ी के सुनकर पूरी हरे क्रिकेट टीम दंग हो चुकी है। क्या कहा किसने अपने बयान में, सबके बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है क्या पाकिस्तान के साथ अंपायर ने बेईमानी की या नहीं, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला गया जिसे देखकर वाकई में हर कोई कह सकता था कि रोंगटे खड़े हो गए थे इस मुकाबले को देखने में। आपको बताएं दोस्तों कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम के बीच का ये मुकाबला इतना खतरनाक था कि अंतिम गेंद तक बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा तो जीतेगा कौन। पाकिस्तान और अफ्रीका की टीम जीत के लड़ते हुए एमए चिदंबरम स्टेडियम तक पहुंची जहां टॉस पाकिस्तान ने जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी के आंकड़े कुछ ऐसे थे जो बताने लायक नहीं है। दोस्तों सलामी जोड़ी के दोनों बैट्समैन इस टीम के मात्र 20 रन के अंदर निपट गए थे जिनमें शफीक और इमाम उलक का नाम शुमार है। बाबर ने इसके बाद आकर 50 रन लगाए और रिजवान ने 31 भी, लेकिन टीम संभल नहीं पाई क्योंकि जैसे ही आउट हुए तब शकील भी 52 पर आउट हो गए। हाँ शादाब ने एक ताबड़तोड़ 43 रन की पारी खेली लेकिन टीम 270 पर निपट गई थी। अब दोस्तों अफ्रीका जैसी टीम को जीतने के लिए 271 चाहिए जो कि वाकई में उनके हिसाब से कम है क्योंकि इस बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर ना इसी टीम के बल्ले से निकला है और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्हें रोकना, लेकिन ये एमए चिदंबरम स्टेडियम है, यहाँ गेंदबाजी से ही जीता जाता है। और दोस्तों इसका असर आते ही दिखा जब बबूमा 28 और 24 पर डीकॉक आउट हो गए, बाकी खिलाड़ी भी 21 12 29 पर निपट रहे थे जिनमें मिलर और वेंडरड्यूसन शामिल थे। लेकिन मार्करम की 91 रन की पारी अफ्रीका को लगभग जिता चुकी थी तब तक जब तक दोस्तों मार्करम आउट नहीं हुए। उसामा नाम के गेंदबाज ने दोस्तों मार्करम का विकेट लिया। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने सेट बल्लेबाज कॉटजी को 10 रन पर आउट किया तो मैच बन गया था। अब अंतिम विकेट बच रही थी और जिताने वाले केवल शमसी और केशव महाराज थे। और दोस्तों यकीन मानिए अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर एक ऐसा कारनामा हो गया ना कि किसी को आंखों पर यकीन नहीं हो पाया। 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक तगड़ा रिव्यू हुआ और ये अंपायर्स कॉल थी, लेकिन ये थी साउथ अफ्रीका के फेवर में जिससे कि शमसी तो बच गए और इसी को पाकिस्तानी दिग्गज और खिलाड़ी बेईमानी करार दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे क्लोजेस्ट कॉल का फैसला था जो अंपायर ने पाक के खिलाफ लिया। खैर दोस्तों इसके बाद केशव ने मैच को जिता दिया और जीत गई साउथ अफ्रीकी टीम एक विकेट से। इस थ्रिलर मैच में हारने के बाद पाकिस्तानी दिग्गज और खिलाड़ी पूरी तरीके से बौखला उठे हैं, किसने क्या कहा चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अख्तर ने कहा ये तो सरासर बेईमानी हुई। देखिए पाकिस्तान की टीम जब जीत रही थी तो मैदानी अंपायर भी किस कदर साउथ अफ्रीका का साथ देने लगे, साफ तौर पर शमसी आउट थे लेकिन न जाने मैदानी अंपायर ने क्या खाकर फैसला लिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ चले गए और देखा जा सकता था कि ये वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे क्लोजेस्ट अंपायर्स कॉल थी जो कि पाकिस्तान के हक में जानी चाहिए थे, लेकिन बेईमान अंपायर ने ऐसा किया नहीं और पाकिस्तान हार गया, इस पर तो एक्शन होना चाहिए। तो वही दोस्तों इंजमाम उलक ने भी कहा जीत की बधाई मैं साउथ अफ्रीका को नहीं बल्कि अंपायर को दूंगा क्योंकि उन्हीं के बल पर तो साउथ अफ्रीका जीता है और उन्होंने जिताया भी है। शमसी साफ तौर पर अंपायर्स कॉल के जरिए आउट हो सकते थे लेकिन अंपायर ने साफ तौर पर यह फैसला अफ्रीका के हक में सुना दिया बिना दो एंगल से सोचकर, ये तो बेईमानी हुई। तो वही दोस्तों अफरीदी का भी कहना था बेईमानी से ही विश्व कप जीतना है तो पाकिस्तान को बुलाया ही क्यों, पिच से छेड़छाड़ पहले होती थी और अब अंपायर फैसला खिलाफ सुनाने लगे हैं, ऐसे तो जीत गए वर्ल्ड कप सच्चाई से। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि हैरिस रॉफ ने भी कहा ये बेईमानी सबसे बड़ी है, इतिहास में शायद मैंने ऐसे तरीके से अंपायर को फैसला चुनते नहीं देखा गया, एटलीस्ट मैदानी अंपायर को हमारे साथ होना चाहिए था, डीआरएस में तो बाद में देखा जाता लेकिन मैदानी अंपायर ही धोखा दे गए जिसके चलते हम इस मैच में हार गए। तो वही दोस्तों रिजवान ने भी कहा ये हार कभी भूल नहीं पाएंगे और जीतना वाकई में साउथ अफ्रीका की अंपायर को मुबारक हो क्योंकि उनके गलत फैसले पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करा चुके हैं। दोस्तों इस मैच को हारकर वाकई में पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़ा है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है अंपायर ने बेईमानी की है या नहीं, नीचे कमेंट करके हाँ या ना जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।